आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए छत्तीसगढ़ की धरा पर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर विशेष उपहार है। जी हां, दर्शकों, ये उपहार डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती व उनकी टीम द्वारा छत्तीसगढ़ में गणेश वंदना की प्रस्तुति देकर किया जाएगा। डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती व उनके सहयोगी गजराज दास द्वारा छत्तीसगढ़ में गणेश वंदना तैयार की गई है, इसका पोस्टर रिलीज किया गया। इस अवसर पर हमने डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती व गजराज दास महंत से खास बातचीत की। देखिए बातचीत के खास अंश। गणेश वंदना तो आपने हर भाषा में सुनी होगी। अब आने वाले दिनों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश विराजमान होने ही वाले हैं, तो इस बार जो छत्तीसगढ़ के गणेश पंडालों में एक बहुत मधुर आवाज़ गूंजेगी और वो भी छत्तीसगढ़ी में, तो एक छत्तीसगढ़ी में गणेश वंदना तैयार किया है सोनाली चक्रवर्ती। डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जो हैं वो एक स्वयं सिद्धा जो संस्था है उसकी संचालिका भी है, समाजसेवी भी है और अन्य कई गतिविधियों में सक्रिय है, और इनका साथ देने के लिए इस गीत को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है गजराज सर ने। तो हम इनसे चर्चा करेंगे कि गणेश वंदना बनाने के पहले इनके मन में कैसा विचार आया और कैसा इन्होंने तैयार किया इसको। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। गणेश वंदना आपने छत्तीसगढ़ी में गाया है, अपनी मधुर आवाज़ दी है, गजराज सर ने उसको अपने शब्द दिए हैं, तो किन परिस्थितियों में आकर इसको तैयार किया आप लोगों ने, पहले गजराज सर बताएं। जी, हमारे छत्तीसगढ़ में एक छंद के छह परिवार और गुरुदेव अरुण कुमार निगम जी चलाते हैं, जो कि छंद लिखना सिखाते हैं। मैं उस क्लास का विद्यार्थी हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से चौपाई छंद में मैंने गणेश वंदना की रचना की। जब गुरुजनों ने उसे सही माना जांच परख के, तो ये रचना लेकर मैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी के पास गया और मैंने निवेदन किया कि इसे आप संगीत के रूप में एक गीत के रूप में तैयार कीजिए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और इस तरह से संगीत रचना हुई, और उसे जब संगीत रचना अच्छी हो गई तो हमने सोचा कि इसे वीडियो में भी कन्वर्ट किया जाए।
तो इस तरह से इसकी रचना हुई और आज ये गणेश वंदना तैयार है। जैसा कि आज गणेश वंदना जो छत्तीसगढ़ी में उसका प्रोमो है पत्रकार भाइयों और चंद लोगों के सामने आपने उसकी लॉन्चिंग भी की है जी। तो आपने इसको अपनी मधुर आवाज़ दी है, आप अन्य कई स्वरों में भी आपने गाई है, भाषाओं में भी, छत्तीसगढ़ी में आपका कैसा अनुभव था गणेश वंदना के? अपनी मातृभाषा में गाने में कैसा अनुभव होगा, वो तो सिर्फ अच्छा ही लगना है। हम छत्तीसगढ़ की माटी की ऋणी है, तो समझिए हमने छोटा सा मातृ ऋण चुकाया कि छत्तीसगढ़ ही भाषा में गणेश वंदना गाने से। मुझे लगा इस बार की गणेश चतुर्थी अधिक सफल है, तो इन्होंने जब लिखा और मुझसे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वी के सुंदरेश जी ने इसमें संगीत दिया और हमने इसकी रिकॉर्डिंग करवाई बिन्नी पॉल जी के स्टूडियो में और इसकी वीडियो शूटिंग की है जिसमें स्वयं सिद्धा के सारे सदस्यों ने भाग लिया। इसकी शूटिंग की है शेखर घोष ने और इसमें कच्ची धूप क्लास के 6 बच्चों ने, जिनका भी मेकओवर हो चुका है, उन बच्चों ने कोरस में अपनी आवाज़ दी, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो ये सारा श्रेय गजराज को ही जाता है कि उन्होंने इन सबको एक मंच प्रदान किया और अब ये आप लोगों को पसंद आया तो हमारे साथ लगता है। जैसा कि आपने गणेश वंदना में मधुर आवाज़ दी है और आपकी कंप्लीट टीम है जो इसे मिलकर काम की जी, इस टीम की लोग कहाँ कहाँ थे और कहाँ कहाँ सक्रिय हैं और इनको अपने आने वाले दिनों में कैसी भूमिका इनको निभानी पड़ी? जी जी, स्वयं सिद्धा आपको तो पता ही है कि हम लोग विवाहित महिलाओं की प्रतिभा को मंच और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो जब उनसे कहा गया तो ये इसमें एक्टिंग करते हैं, उनको लगा नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो घर की पूजा हो गई। तो यही हमारे वीडियो में भी आपको नज़र आएगा कि सब लोग बड़े मन से उस दिन उस पूजा में शामिल हो गए, शूटिंग की फीलिंग नहीं आई। आगे भी हम लोग लगातार समाज के लिए और महिलाओं के आत्मविश्वास के लिए काम करते रहेंगे। गजराज सर, आप हाथ से रस के कवि, गणेश वंदना में इतना भक्ति भाव कहाँ से लिया? जी, मेरे लिए कठिन कार्य था क्योंकि मूलतः मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, मगर गुरुदेव जी की प्रेरणा से, जो हमारे छंद क्लास के जो गुरुजन हैं उनके मार्गदर्शन में, ये माता पिता और गुरुजनों की कृपा से ही संभव हुआ, अन्यथा मेरा विषय तो अलग ही है। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल लोकल बात को इतना बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ को बहुत महत्वता दी उन्होंने और आज छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है और संस्कृति हर जगह नज़र आती है, क्या राज्य के मुख्यमंत्री तक इसको आप पहुँचाना चाहेंगे? जी, हम ये उन तक पहुंचाना चाहते हैं, ये उनसे हम विमोचन करवाना चाहते हैं, उन्हें ही समर्पित करना चाहते हैं। और अगर राज्य के वो मुखिया हैं तो अपने घर की बात घर के पिता को तो बताई जाती है, तो हम चाहते हैं कि हम उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं और ये कुछ ही दिनों में हम लेके जाएंगे उन तक ये बात। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ी भाषा में और आपकी कुछ तैयार की जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं पहले भी जो ऑडियो विजुअल शोज करती हूँ उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में काफ़ी काम होता है। उसमें हम लोग बस्तर की पीड़ा दिखाते हैं कि बस्तर को एक कैरेक्टर बनाते हैं कि जो मर रहे हैं वो भी मेरे बेटे हैं, जो मार रहे हैं वो भी मेरे बेटे हैं, ऐसे हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं। तो छत्तीसगढ़ी में काम तो चलता ही रहेगा। ये ऐसी सहज सरल भाषा है जो सबको आसानी से समझ में आती है और सीधे दिल तक पहुँचती है। स्वीकारो जी हमर नेवता, आहू अगले बरस देवता, खाओ लड्डू खाओ मेवा। जय 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 श्री गणेश देवा, जय 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 श्री गणेश देवा। बहुत धन्यवाद। तो ये थी सोनाली चक्रवर्ती मैम और गजराज सर। गजराज सर हास्य रस के कवि हैं, अनेकों कविताएं उन्होंने हास्य रस की दी है। इस बार उन्होंने गणेश वंदना छत्तीसगढ़ी में तैयार की और सोनाली चक्रवर्ती मैडम ने अपनी मधुर आवाज़ उसमें दी है। उम्मीद करते हैं गणेश वंदना आने वाले दिनों में हर गणेश पंडाल जो है उसमें गुंजायमान होती रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए मैं शाहीन खान।